नमस्कार, मैं नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं नेशन टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। विधायक ढुल्लू महतो की बड़ी परेशानी, उनके आवास में घेराबंदी, विरोध के बाद बैरंग लौटी पुलिस। झारखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें बढ़ गई है। 19 माह बाद धनबाद में ओरिएंटल में रंगदारी मांगने और किरण महतो का मामला दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस नेत्री कमला कुमारी के झूठे यौन शोषण के मामले में सहित अन्य मामलों को लेकर बाघमारा अनुमंडल पुलिस के साथ जिला मुख्यालय से फोर्स विधायक के चिटाही आवास में गिरफ्तारी को लेकर घेराबंदी की, मगर विधायक समर्थक व महिलाओं ने पुलिस का जमकर विरोध किया। महिला झाड़ू लेकर बाहर निकल आए, जिसके बाद पुलिस फोर्स बैरंग वापस लौट गई। पुलिस ने विधायक के करीबी सहभाजयुमो के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता को पचगड़ी बाजार से गिरफ्तार किया, जबकि अन्य समर्थक बिट्टू सिंह, अजय महतो, डंपे मंडल को गिरफ्तार किया गया है। खबर फैलने के बाद विधायक आवास में सैकड़ों समर्थकों का जुटान हो गया। इधर विधायक की धर्मपत्नी सावित्री देवी का कहना कि राज्य सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा है, विरोधी साजिश कर विधायक जी को फंसा रही है। आरोप लगाया कि बगैर सर्च वारंट के पुलिस जबरन आवास में घुस रही थी। पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया, कहा कि विधायक का तबीयत खराब होने की वजह से बाहर इलाज के लिए निकल गए हैं। आगे देखते हैं विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी का क्या कहना है। ये तो प्रशासन से ही आप लोग पूछिए कि आप लोग के पास जब कुछ नहीं था तो हम लोग का घर क्यों आके घेराव किए। मैं तो पूछी तो उनका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं कि ऊपर से आदेश है। कितने बजे सुबह प्रशासन आई थी? हम तो अपना घर का दरवाजा 5:30 बजे खोले, उसी टाइम देखे। अब वो लोग कब से आके अड्डा मारे ये तो नहीं जानते हम लोग। पुलिस दबिश के पीछे क्या कारण मान रही है? ये हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि आपको अगर कोर्ट से कुछ आदेश मिला है तो उस चीज़ को, तो उस पेपर को दिखाइए, या वारंट है तो उस पेपर को दिखाइए। हम लोग खुद ही दरवाज़ा खोल देंगे कि आप लोग आइए, देखिए घर में क्या है नहीं है, आप लोग क्या चाहते हैं। घर घुसने का पूरा वो लोग कोशिश की, लेकिन हम लोग भी बोले कि आप जब तक कुछ नहीं दिखाइएगा वारंट या वहाँ कोर्ट का परमिशन, तब तक हम लोग अपना सीमा पे चढ़ने नहीं देंगे। वो लोग पूरा कोशिश की, इतना अभद्र तरीका से बात की हर महिला जो प्रशासन से आई थी, और यहाँ के हमारे बड़ोरा थाना के बड़े बाबू, उनका तो ऐसा ऐसा व्यवहार है कि हम तो सोच ही नहीं सकते कि पुलिस प्रशासन है रक्षक है कि भक्षक है। हम तो आज देखे उसका नया रूप। सारे सीमा का उल्लंघन करते हुए भैया, यहाँ तक कि यहाँ हमारे बगल में एक बिट्टू सिंह का लड़का है, एक अजय महतो है, जो कल 12:01 बजे रात तक यहाँ भंडारा में खटा हुआ है, जबकि उन लोग के पास, उसके पास भी कोई केस नहीं है। उसका घर जाके उसका दरवाजा लकड़ी का था तोड़ के, और उसको बिट्टू को घसीटते हुए निकाल के ले गया थाना। जब हम लोग पूछ रहे हैं कि क्यों उसका माँ फोन की कि देखो इस तरह ले जा रहे हैं, जब हम लोग उसका माँ को पूछे तो उसका माँ इतना रोने लगी, उसकी माँ विधवा है, पापा नहीं है उनके। एक जब एक माँ, एक बहू और उस घर में एक ही गार्जियन है, उस घर में क्या इस तरह से घुसना उसको शोभा दिया, जबकि उसका एक केस भी नहीं है। किसके दबाव पर से किस काम करे? एकदम ये हेमंत सोरेन का दबाव से हो रहा है, एकदम ये सरकार ही इनका जवाबदेही है। सरकार की मनमानी के विरुद्ध आप लोग क्या? एकदम सरकार का मनमानी इस तरह से नहीं चलने देंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग को अगर सड़क से लेके सदन तक भी आंदोलन करना पड़े तो हम लोग आगे आएंगे और करेंगे भी। हम लोग सरकार को अभी भी चेतावनी देते हैं कि अपना रवैया को बदले, जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया है उस तरह से चलने दें, नहीं तो फिर हम लोग मानेंगे नहीं। आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी माता बहनें किसी से कम नहीं है, हम लोग भी दिखाएंगे हमारे बाघमारा की माता और बहनें में कितना ताकत है। सो जहाँ तक बात सामने आ रही है कि कमला कुमारी के मामला को लेकर के ये सारी चीज चल रहा है, तो ऐसे ऐसे मामला सांसद पर भी उठा है और लोगों पर उठा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? यही, इसी संबंध में हम उन लोग से भी बात की है कि भैया देखिए, अगर आप वारंट नहीं है, जबकि ये बात 100% गलत है, ये तो यहाँ की जन जन के हर एक माता बहने जानती है और सारे भाई बंधु जानते हैं। विधायक जी का नेचर क्या है, विधायक जी किस तरह से अपना हर
एक माँ और बहन के रूप में हर किसी को देखते हैं। आज अगर विधायक जी का नेचर थोड़ा भी गलत रहता ना, तो हमारे यहाँ इतनी इतनी महिला का भीड़ नहीं लगी रहती। हमारी महिला इतना, मतलब कोई भी महिला अकेले आके हम लोग से मिल के चली जाती है। हम लोग भी हैं, कहीं भी किसी के घर जाने से कतराते हैं। उस नज़र से, उस तरीका से, उस मान सम्मान को देखते हुए विधायक जी अपनी माता बहनों को इस तरह से मान सम्मान दिए हैं कि उन लोग एक जरा नहीं कतराती है और डायरेक्ट विधायक जी से आके बात करती है। आप किसी भी एकदम गरीब गुरबा बूढ़ी औरत से भी पूछ लीजिए, या तो मतलब कोई भी लड़की स्टूडेंट, हर एक कोई आती है और अपना जो यहाँ से काम करवाने का रहता है, जो भी हम लोग सहयोग कर पाते हैं उस चीज़ को हम लोग करते हैं, और वो लोग एकदम निफिक्र हो के यहाँ पे आके बात करती है। और लोगों के ऊपर जो इस तरह की, और लोग देखिए विजय झा के बेटा के ऊपर भी जो केस हुआ, वो तो इतना 100% सच है, उसको जांच भी नहीं हो रहा है। रविंदर पांडे के ऊपर जो महिला केस की, उसमें भी पूरे का पूरा सच्चाई है, लेकिन जहाँ सच्चाई है वहाँ पे कुछ जांच नहीं होता है, और जहाँ एकदम एक जरा 1% सच नहीं है, वहाँ पे देखिए आके किस तरह से प्रशासन तंग कर रहे हैं, किस तरह से पूरे घर को मेरे घेर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई आतंकवाद है, कोई उग्रवाद बैठा हुआ है, उसको पकड़ना रहता है। जब कोई उग्रवाद और आतंकवाद को भी पकड़ने रहता है तो इतना पुलिस प्रशासन नहीं जाता है। जिस तरह से हमारे घर को आजी लोगों ने घेरे, और जिस तरह से हमारे माता बहनें सब कोई आके हम लोग को पूछने लगी क्या बात है, हम लोग को भी बहुत खराब लगता है कि एक वो समय हो 10 बजे हो 12 बजे हो दिन में, लेकिन भोरे जैसे ही गेट खोलो तो पुलिस का मुंह देखना, ये कौन सा बात हुआ, क्या हम लोग ऐसा दोष कर दिए, क्या गुनाह कर दिए। सब पर कार्रवाई अगर हो तो सब पर समान हो। हम तो बोल रहे हैं कि हर एक एजेंसी से आप जांच करवा लीजिए, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है। अगर विधायक जी कहीं पर भी 1% दोषी पाए गए तो विधायक जी तो खुद ही बोले कि हम फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार है। और मेरे पति है तो खुद मैं भी एक बात करना चाहती हूँ कि मैं खुद विधायक जी को कोर्ट में लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि आप सरेंडर कर जाइए, आप दोषी हैं एक महिला होने के नाते। नेशनल टीवी से बात करने में बहुत